मध्य प्रदेश के सकतपुर गांव में एक नाबालिग जोड़े ने सुसाइड की कोशिश की है। दोनों ने प्रेम प्रसंग के चलते जहर खा लिया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों पिछले एक साल से एक दूसरे से बात करते थे। जानकारी के मुताबिक लड़का दूसरे गांव का रहने वाला है और रिश्तेदारी में लड़की के गांव आया हुआ था। 11 जुलाई को जब देर रात तक दोनों घर वापस नहीं लौटे तो दोनों की तलाश घर वालों ने शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों गांव के बाहर बेहोशी की हालत में पाए गए, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अगली खबर है रीवा जिले के बिछिया में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक भटोल गांव में चार युवक खेत में काम कर रहे थे। उस दौरान हल्की बारिश होने लगी तो सभी लोग पास के मंदिर पे जाके खड़े हो गए। तभी वहां मौजूद कुछ लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज चल रहा है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली खबर है कोरोना के दौरान धरना प्रदर्शन कर भीड़ इकट्ठा करने के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार करके उनपे मुकदमा दर्ज कर लिया है। अशोक गार्डन पुलिस ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इन पर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के लिए धाराओं पर केस दर्ज करा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि बाकी अन्य 200 अज्ञात कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा। वहीं सभी की पहचान वीडियोग्राफी से की जा रही है। बता दें, कांग्रेस नेताओं ने रविवार को गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में RSS की संस्था लघु उद्योग भारतीय को जमीन आवंटन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। इसका विरोध करने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस नेता इकट्ठा हुए थे।